डी मार्ट के बाहर बदमाशों ने सो रहे युवक पर चाकू सरिये से हमला कर मोबाइल व पर्स लूटा। गंभीर घायल अवस्था में जिला अस्पताल कराया भर्ती। जानकारी के अनुसार सुभाष नगर थाना क्षेत्र के डी मार्ट के बाहर अल सुबह सो रहे एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू और सरिये से हमला कर दिया और युवक के पास रखा मोबाइल और पर्स लूटकर भाग निकले। हमले में युवक लहूलुहान हो गया। युवक को गंभीर घायल अवस्था में 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल लाया गया। महात्मा गांधी अस्पताल चौकी सूत्रों के अनुसार शैतान सिंह पिता तुलसीराम उम्र 22 वर्ष। शैतान सिंह पेशे से एक ऑटो चालक है और यहां पर ऑटो चलाकर मजदूरी करता है। आज अल सुबह शैतान सिंह डी मार्ट के बाहर सो रहा था। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर तीन बदमाशों ने शैतान सिंह पर चाकू और सरिये से हमला कर दिया। हमले में शैतान सिंह के सिर हाथ व पैरों में गंभीर चोटें आई। शैतान सिंह को गंभीर घायल अवस्था में 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में घायल शैतान सिंह का इलाज जारी है। दुकान से आ रहा था, सुपड़िया सर्कल डी मार्ट पे सो गया था। सोते हुए उठा के फिर मारपीट की, पैसे वगैरह नहीं दे रहा था, ज्यादा मारपीट की, चाकू वगैरह लगाया। कितने जने थे वो? तीन जने और नई बाइक थी। एक जने के पास सरिया कसिया और चाकू वगैरह थी। आपने इस बारे में रिपोर्ट लिखी? हाँ, रिपोर्ट भैया ने कराई थी। एम्बुलेंस वाले ने बोला केस लगा दे, सही रहेगा। क्या नाम है आपका? शैतान सिंह राव।